हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में सॉफ्ट ग्लो स्किन पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। समर सीज़न में हमारी स्किन बहुत ही ऑयली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तो इनको जो है आपको कैसे इस कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, इससे जो है आपकी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनी रहेगी। ये जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों ही इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए जानते हैं, सबसे पहले हर्बल क्लींजर का इस्तेमाल करना है। गर्मियों के दिनों में फोड़े, फूसी, पिंपल्स, लाल चकत्ते, इनको दूर करने के लिए नीम या तुलसी का फेसवाश का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है, किसी भी हर्बल कंपनी के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल का इस्तेमाल, मतलब रोज़ वाटर। क्या आपको पता है कि गर्मी में स्किन साफ़ करने के लिए गुलाब जल बहुत अच्छा विकल्प है। इससे स्किन में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिससे स्किन में अलग ही ग्लो और रिफ्रेश लुक आता है। फेस मास्क, फेस मास्क का इस्तेमाल करने के लिए गर्मियों में पसीनों में चिपचिपाहट और गंदगी दूर करने के लिए आप फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में दो बार आप फेस मास्क ज़रूर लगाइए, इससे स्किन नेचुरल निखार आता है। आप हर्बल फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रबिंग करना ना भूलिए, दिन में कम से कम दो बार ज़रूर फेशियल स्क्रबिंग करना चाहिए। इससे डेड स्किन सेल निकल जाते हैं और ड्राई स्किन में शुष्कता हट जाती है और रौनक का संचार होता है। ऑयली स्किन का केयर करना ना भूलिए, गर्मियों के दिनों में बाहर निकलने से पहले ऑयल फ्री सनस्क्रीन लगाइए। गर्मियों में मैट मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल ही करें। गर्मी में क्लीन टिश्यू साथ लेकर ही बाहर जाएं, इससे अपने स्किन को साफ करें। स्किन को ज़रूर नरिश करें। त्वचा पर नरिशिंग क्रीम हल्के हल्के चारों तरफ मसाज करिए। जब क्रीम ड्राई हो जाए तब सादे पानी से धो लें, इससे स्किन सॉफ्ट और रिफ्रेश बनी रहती है। इस तरह से आप गर्मियों में अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।